extra questions of chapter number 1. Name of chapter number 1 is number system. ये extra question आर डी शर्मा राइटर की बुक से लिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस 0.00352 बार जो है 5 और 2 पर है. एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. लेट एक्स इज इक्वल टू 0.00352 बार. 52 बार का मतलब 52 बार बार रिपीट हो रहा है. एक्स इज इक्वल टू 0.00352 .. इक्वेशन नंबर 1. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100. इक्वेशन 1 को हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि टू डिजिट जो 52 है उसी पर बार है. 52 में टू डिजिट है तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर थ्री डिजिट पे बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, और वन डिजिट पे बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई. तो इक्वेशन 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 100 x, और उसके बाद राइट साइड में 0.00352 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब 100 में 20 है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 20 है, तो ये जो पॉइंट है राइट साइड की ओर जाएगा और 3 से पहले लगेगा. 0.35252 इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है x और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है 100x. लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है. तो पहले 100x, उसके बाद लिखेंगे माइनस एक्स. 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू, सिमिलरली राइट साइड में भी पहले लिखेंगे 0.35252 .. उसमें से माइनस करना है राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 0.00352 .. तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 99x, और 0.35252 में से माइनस करना है 0.00352. माइनस करेंगे 2 माइनस 20, 5 माइनस 50, 12 माइनस 3 9, बच गया 4 और 3.0. तो x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद 0 कैंसिल हो जाती है, तो x इज इक्वल टू 0.349. x को 99 मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आकर डिवाइड करेगा, इसमें से डेसिमल हटा देंगे 349 में से. पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 30 आएंगे, तो आंसर 349 अपॉन 99,000. ये आ गई पी अपॉन क्यू फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 0.432 बार इन पी अपॉन क्यू फॉर्म. 2 पर ही बार है तो इसको हम एक्स के इक्वल मान लेंगे. एक्स इज इक्वल टू 4.3222 इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट 2 पर बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई. पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट, क्योंकि 10 में एक जीरो है तो राइट साइड में 3 के बाद लग जाएगा 43.222 इक्वेशन नंबर 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है 10x, उसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड x, और राइट साइड है 43.222, इसमें से माइनस करेंगे 4.322. पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करते समय. 10x माइनस एक्स ये हो गया 9x, और उसके बाद 2 माइनस 20 12 माइनस 3 9, और 12 माइनस 4 8 हो गया, और बच गया 3. पॉइंट के बाद 0 कैंसिल हो जाएगी. 38.9 को हम लिख सकते हैं 389 अपॉन 10, और उसके बाद x इज इक्वल टू 389 अपॉन 10. x को 9 मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर जाके डिवाइड करेगा 389 अपॉन 10 इंटू 9, आंसर 389 अपॉन 90. ये आ गई पी अपॉन क्यू फॉर्म.
क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 0.12 एंड 0.13। इन दोनों के बिटवीन में हमको टू रैशनल नंबर भी लिखने हैं और टू इरेशनल नंबर भी लिखने हैं। तो टू इरेशनल नंबर क्या होंगे बिटवीन 0.12 एंड 13? तो 0.12 से ज़्यादा होना चाहिए और 0.13 से कम। और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो लिखेंगे 0.12, इससे ज़्यादा लिखना है, और 0.13 से कम। तो 0.12 01001000001 tetra01... तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। डॉट डॉट लगाना ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग। दिख ही रहा है पॉइंट के बाद कोई रिपीट नहीं हो रहा, जीरो इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद 0.12 02002 000002 tetra02... इसी प्रकार से अब और भी बहुत सारे नंबर, बहुत सारे इरेशनल नंबर बिटवीन 0.12 एंड 13 लिख सकते हैं। इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर हम दोनों के बीच में लिख सकते हैं। अब 0.12 और 13 के बीच में रैशनल नंबर लिखेंगे। 0.12 को हम लिख सकते हैं 0.1200 और 0.13 को लिख सकते हैं 0.1300। अब इन दोनों के बिटवीन में कितने भी रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं, तो टू रैशनल नंबर लिखने थे हमको, इन दोनों के बिटवीन में लिख देंगे इससे ग्रेटर और इससे स्मॉलर। 0.1201, 0.1202, ये हो गए टू रैशनल नंबर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3। √2 और √3 के बीच में रैशनल और इरेशनल दोनों लिखने हैं। √2 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं ये आपको सिखाया जा चुका है। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसको हम फाइंड कर लेंगे। 8th क्लास में भी आपको सिखाया गया था। 2 को हम लिख लेंगे 2.00000 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ऐसे ही √3 को हम लिख लेंगे 3.00000 और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.732। अब इन दोनों के बीच में टू रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे, तो 1.414 और 1.732 के बिटवीन में 1.415 0.0 नहीं है वन है 1.416 1.417 1.418। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में। इसमें हम रैशनल नंबर लिखते समय डॉट डॉट नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा और वो नॉन रिपीटिंग, फिर ये इरेशनल हो जाएगा, टू इरेशनल नंबर। तो इन दोनों के बिटवीन में 1.414 से ज़्यादा हो और 1.732 से ज़्यादा हो, 1.415 लिख देंगे, 1.515 1.515 1.515 ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसलिए इसको इरेशनल कहेंगे। उसके बाद 1.416 1.116 1.116 1.116 डॉट डॉट नहीं लगाया तो ये रैशनल बन जाएगा। 1.417 1.117 1.117 1.117। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ चैप्टर नंबर वन, इज एक्स वाई जेड एटसेट्रा, जो भी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी यू वी, आर दीज रैशनल आर इरेशनल, हमको ये बताना है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर वन, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.4, स्क्वेयर का हो जाएगा स्क्वेयर रूट 0.4। अब 0.4 का स्क्वेयर रूट कैसे निकालते हैं ये आपको पहले बताया जा चुका है क्लास में। 0.4 को लिख देंगे 0.40, ये एक पेयर बन जाएगा 0000, और उसका अगर हम स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, तो इसलिए ये है इरेशनल नंबर। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.04, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.04। अगर हम एक्स के ऊपर से स्क्वेयर हटाएंगे तो यहाँ अगर स्क्वेयर रूट हो जाएगा, और 0.04 ये एक पेयर बन गया, इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2। 0.2 का ना 2/10, पी अपॉन क्यू फॉर्म है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रैशनल नंबर है। और थर्ड पार्ट, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9, स्क्वेयर का हो जाएगा स्क्वेयर रूट 9 का स्क्वेयर रूट 3, 3 का मतलब 3/1,
इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया, पी अपॉन क्यू हो गया, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये हो गया रेशनल नंबर। डब्ल्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 27, स्क्वेयर का हो जाएगा स्क्वेयर रूट, 27 के फैक्टर बनाएंगे 3 × 3 × 3, पेयर बनाएंगे 3 × 3 के नीचे अंडरलाइन, और आंसर आ जाएगा 3√3। अब 3√3, अंडर रूट 3 आप जानते ही हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, इरेशनल है, 3 रैशनल है, रैशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई इरेशनल होती है। तो ये 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 के हैं आज फेयर कॉपी में भी सॉल्व कर लेंगे।